जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इसे सुनकर लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट के रूप में जरूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है साधु का राजकुमारी से प्रेम। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। जैसे बालक को अपने पिता से बड़ा हीरो कोई दूसरा नहीं लगता और वो अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकता, वैसे ही ये बात शिष्य के लिए भी लागू होती है। गुरु शिष्य के रिश्ते बिल्कुल पिता पुत्र जैसे ही होते हैं और इसको गुरु शिष्य ही समझ सकते हैं। हुआ ऐसा कि एक गुरु थे जिनके बहुत शिष्य थे। अचानक एक दिन गुरु जी भ्रमण करते हुए पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर गए थे और उधर ऐसा हुआ कि वहां के एक राजकन्या के रूप यौवन के जादू में गिरफ्तार हो गए और उस राजकन्या से शादी भी कर ली। सब योगी गिरी छोड़ छाड़ कर मोह माया में पड़ गए और वहीं रहने लग गए। वहीं उनको उस राजकन्या से एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। उधर उनके एक प्रिय शिष्य और उनके दूसरे गुरु भाइयों को दूसरे पंथ के लोग ताने मारा करते थे और कहा करते थे कि ये लोग काहे की योगी, ये तो ढोंगी हैं, इनका गुरु तो शादी करके दुनियादारी में पड़ा है, आदि आदि बातें करते थे। और यह जो गुरु की गलती थी शिष्यों को भुगतनी पड़ रही थी। उन गुरु के प्रिय शिष्य को भी बहुत बुरा लग रहा था। यह ऐसे ही था जैसे किसी बच्चे को कोई उसके पिता के बारे में कुछ कहे। और साधु समाज में तो आज भी इस बात को लेकर खून खराबा तक हो जाता है। खैर दोस्तों, शिष्य ने अपने साथियों से चर्चा की और यह तय हुआ कि अब बहुत हो गया, गुरुजी को वापस उस मोह जाल से निकाल कर लाना ही पड़ेगा और उनको लाने गुरुजी के प्रिय शिष्य ही जाएंगे, क्योंकि गुरु के प्रिय शिष्य उस समय तक महान सिद्ध योगी बन चुका था। पर क्या करें, गुरु के कारण सब बेकार। अब शिष्य वहां पहुंच गए जहां उनके गुरु का महल था। संदेश भिजवाया पर गुरु ने हर बार मिलने से आनाकानी की। उनको लग गया था कि यह मुझको लिए बगैर वापस नहीं लौटने वाले हैं। अब शिष्य को वहां काफी समय हो गया, पर शिष्य अपने गुरु से अपने मन की बात कह सके इतना मौका ही उनको नहीं मिला। गुरुजी ने शिष्य को सब सुविधा दे रखी थी, पर जैसे ही शिष्य काम की बात पर आते वो बात पलट दिया करते थे। और चूंकि वो गुरु थे अतः शिष्य उनसे उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकते थे। गुरु तो बस सब समय उस छोटे बच्चे को ही खिलाया करते थे और महल के बाग बगीचों में उसको लेकर घूमा करते थे। महल भी बड़ा रमणीय था, पास ही बगीचा और साथ ही बहती नदी। वहीं पर गुरुजी बालक को लिए घूमा करते थे। उनका प्रेम अब रानी में कम और बेटे में ज्यादा हो गया था। शिष्य इसी उधेड़बुन में रहते थे कि किसी तरह गुरु अकेले मिल जाएं और उनको समझाने की कोशिश करें, पर गुरु के साथ तो कभी रानी कभी दासियां भरपूर महफिल लगी रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे को लेकर गुरु बगीचे में टहल रहे थे और दैवयोग से अकेले ही थे। और यूं हुआ कि राजकुमार, जी हाँ उनका बेटा, उसने उनके गोद में मलमूत्र त्याग कर दिया और दोनों पिता पुत्र उसमें गंदे हो गए। अब शिष्य ने देखा कि उनके गुरु बड़े प्रेम से उस बच्चे की गंदगी साफ कर रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मौका देखकर गुरुजी के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव आप छोड़ो, मैं धोकर लाता हूं राजकुमार को नदी पर। गुरु ने सोचा, ठीक है, तब तक मैं अपने आप को साफ कर लूंगा। थोड़ी देर हो गई, शिष्य नहीं आए तो उनको चिंता होने लगी। इतनी देर में शिष्य उनको अकेले आते हुए दिखाई पड़े, उनकी चिंता और बढ़ गई। इतनी देर में शिष्य आ भी गए। गुरुजी बोले, राजकुमार कहाँ है? शिष्य बोला, गुरुदेव उसको तो मैंने धोकर सुखा दिया।
गुरुजी ने कहा, इसका क्या मतलब है? शिष्य ने कहा, गुरुजी आपने उसको धोकर लाने को कहा था और वह बुरी तरह गंदगी में सना था, सो मैंने उसकी दोनों टांगे पकड़कर उल्टा किया और फिर उसको खूब सर की तरफ से नदी में डुबो डुबो कर निकाला, और फिर जैसे धोबे कपड़ों को पछाड़ता है उस तरह मैंने उसको पत्थर पर पटक पटक कर पछीटा। तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसकी गंदगी साफ हुई, और फिर उसमें ज्यादा जान तो थी नहीं, इतना धोने के बाद केवल कुछ हड्डियां ही बाकी बची थी, सो वह सूखने के लिए वहीं एक पत्थर पर रखाया हूं। और गुरु तो इतना सुनते सुनते ही आधे पागल जैसे हो गए और उन्होंने पूछा, अरे ये क्या किया तूने? अरे मेरे राजकुमार ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाय मेरा बेटा कहाँ है? इस तरह प्रलाप करने लग गए और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गए। अब शिष्य उनको होश में लाने का उपाय करने लगे। गुरुजी पुत्र वियोग में अर्धमूर्छित से थे और इधर शिष्य सोच रहे थे कि मोह माया भी क्या चीज है जिसने इतने महान और प्रतापी तथा ज्ञानी गुरु की बुद्धि पर पत्थर पटक दिए। शिष्य ने गुरु को जगाने की बड़ी युक्तियां की पर बेकार। असल में शिष्य जानते थे कि जब तक इनका मन पुत्र मोह में रहेगा तब तक गुरु वापस नहीं जाएंगे, तब तक शिष्य को दूसरे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। शिष्य इतना सिद्ध योगी था कि अगर किसी मरे हुए पशु की हड्डियां भी हो तो अपने योग बल से उसमें जान डाल देता था, और इस शिष्य को आकाश मार्ग से यानी हवा में उड़ने की सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी थी, और ये नहीं चाहते थे कि बालक को वापस जिंदा किया जाए। ये तो बस किसी तरह गुरु का भ्रम तोड़कर उनको वापस ले जाना चाहते थे। गुरु होश में आए तो फिर उनका प्रलाप शुरू हो गया। तब शिष्य ने लाख समझाया कि महाराज यह सब झूठी माया है, आप जागो और मेरे साथ चलो। पर गुरु जी तो जैसे पूरे मोह ममता में डूबे थे। आखिर शिष्य ने एक पैतरा फेंका और बोले, अगर आप चाहते हैं कि यह बालक जीवित हो जाए तो आप बदले में क्या दे सकते हैं? गुरु जी बोले, इस बालक के एवज में मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। शिष्य तो इसी घड़ी के इंतजार में थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तो संकल्प करो इस बात का, फिर मैं किसी से बात करके देखता हूँ। गुरुजी बोले, वत्स जल्दी कर, कहीं इस विरह वेदना में मेरे प्राण ही न निकल जाएं। शिष्य ने मन ही मन कहा कि वो तो मैं निकलने नहीं दूंगा। उधर जैसे ही गुरुजी ने संकल्प लिया वैसे ही शिष्य ने उस बालक की हड्डियां इकट्ठी करके उसको जिंदा कर दिया, और गुरुजी के तो प्राण में प्राण लौट आए। अब शिष्य ने गुरुजी को इशारा किया कि अब चलो, बहुत हो गई आपकी घर गृहस्थी और अब तो शर्त भी हार चुके हो, अपना वचन निभाओ, अब देर मत करिए। लेकिन अब गुरुजी अनमने से वापसी के लिए तैयार होने महल चले गए। वहां उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी जानती थी कि इनके शिष्य बड़े पराक्रमी हैं और एक न एक दिन इनको लौटना ही होगा। रानी को उनसे एक पुत्र की अभिलाषा थी, वह भी पूरी हो चुकी थी, सो रानी ने उन्हें विदा किया। पर चूंकि पत्नी थी उनकी, सो साथ में एक पोटली में बहुत सारा यानी 5 किलो सोने का एक बड़ा टुकड़ा भी रख दिया। उसने सोचा कि अब इनको फकीरी की आदत तो रही नहीं, सो यह इनके रास्ते में कहीं वक्त बेवक्त काम आ जाएगा। दोनों गुरु चेले वहां से चल दिए। अब रास्ते में कहीं जंगल में रुकते, कहीं पहाड़ पर। अब यहाँ गुरुजी कहते, वत्स कहीं आसपास बस्ती देखकर रात्रि विश्राम करेंगे, और शिष्य को जंगल में रुकने का मन रहता था। अब शिष्य को मालूम नहीं कि इस पोटली में क्या माया है, और इसी माया को कोई चोर डाकू ना लूट ले, इसलिए गुरुजी किसी ग्राम के आसपास रुकने की जिद करते थे। शिष्य ने देखा कि गुरुजी के पास एक पोटली है, इसको नहीं छोड़ते, आखिर इसमें क्या है? सोते जागते इनका मन इस पोटली में ही बसा रहता था। आखिर है क्या जो गुरुजी इतने अनमने से चल रहे हैं? एक दिन गुरुजी को जरा जल्दी से सोच लग गया और वो पोटली वहीं भूलकर चले गए। पीछे से शिष्य ने देखा कि अरे यह तो सोना है। तब समझ आया कि गुरुजी क्यों अनमने हैं और जंगल में रुकने से क्यों डरते हैं। शिष्य ने यह पोटली उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक दी।
गुरु जी को सांस से वापसी में पोटली याद आई और जल्दी जल्दी वापस आए और नजरों से इधर उधर देखना शुरू किया और संकोचवश शिष्य से बहुत देर पूछा भी नहीं। आखिर सब जगह देख दाख कर उन्होंने शिष्य से पूछा, वत्स इधर एक पोटली थी, देखी क्या? शिष्य बोले, गुरुजी वो तो आफत की पोटली थी और अब आप उस आफत की पोटली से निश्चिंत रहो। मैंने वो आफत की पोटली पहाड़ से नीचे फेंक दी। अब चोर उचक्कों का भी डर नहीं, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इस तरह गुरुजी का भ्रम टूटा और वे वहां से वापस अपने धुने पर पहुंचकर तप में लीन हो गए। तप में लीन होने के बाद गुरुजी को फिर से ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।